श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिविश्वद्धं एषवोऽस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीव के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्त्यात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी शिला सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूप में पति कहा है। श्री यः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वताम प्रसिदताम मे भगवान सताम पतिः। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें और इस भौतिक देह को अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तिशा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तनई प्राही यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।